बिहार के वैशाली जिले में अपराध पर लगाम लगाने में यहां की पुलिस प्रशासन पूरी तरह विफल हो चुकी है। आए दिन लूटपाट, गोलीकांड, रंगदारी फिरौती की घटनाएं हो रही है। एक मामले का खुलासा होता नहीं कि अपराधी दूसरी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां बीती रात धनतेरस के मौके पर टीवीएस बाइक एजेंसी के मालिक नीरज झा को उनके घर के पास अपराधियों ने गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। आपको बता दें कि गोली लगने के बाद आनन फानन में एक पड़ोसी अपनी कार में लिटाकर नीरज झा को सदर अस्पताल ले गए, जहां नीरज झा की गंभीर अवस्था को देख पटना PMCH रेफर कर दिया गया। पटना में ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो धनतेरस की रात नीरज झा बाइक शोरूम बंद कर कोन्हारा घाट के पास स्थित अपने घर पहुंचे। जैसे ही कार को पार्क कर गेट लगाने लगे, तभी वहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी और फरार हो गए। गोली लगने के बाद अपने कैंपस में वे गिर पड़े। गोली की आवाज सुनकर घर वाले और पड़ोस के लोग पहुंचे, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल हाजीपुर में भर्ती कराया गया। मामले में बताया गया कि हाजीपुर के अनवरपुर चौक पर नीरज झा की TVS बाइक शोरूम है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। लगा हुआ आया था गेट के सामने 8:30 के लगभग 9:30 के आसपास कैंपस में कोई दो लड़का गोली मार के तुरंत वहाँ मैडम चिचियाने लगे, गेट बंद करने आए, लोग अंदर घर में थे, औरत लोग निकली चिचियाने लगी, सब पूरे मोहल्ले की। तो हम घर से निकले, देखते हैं कि मैदान में बेसुध पड़े हुए, उसके बाद अपना गाड़ी था उसमें लादे हैं, देखिए ना गाड़ी का स्थिति। अपराधी सब कैसे मोटरसाइकिल था कि पैदल था, क्या था? हम तो पहले उनको देखने लगे, अब ब्लीडिंग इतना हुआ कि पहले हम कोशिश किए थे क्या को मारा है, गोली कौन है, ये कौन है, ये नीरज कुमार क्या को लगा गोली इनको, गोली रोड पर लगा, रोड लगा यही जांग में लगा, आपका नाम क्या? प्रभात कुमार।